तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यूब की फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं बिना किसी एल्गोरिदम के, बहुत ही इजीली आप सीख जाओगे और हमेशा आप इसे बना पाओगे। तो आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट जो होती है मेरा, आप पूरा क्यूब में पहले एक बार स्क्रैम्बल कर लूँगा। स्क्रैम्बल करने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें मैं कोई भी ऐसे स्टेप्स वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, बस आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी पूरी फर्स्ट लेयर बना सकते हो। और गाइस और भी मैं वीडियो डाल ही दूंगा बाद में सेकंड थर्ड लेयर के, इसलिए ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है मेरा पूरा क्यूब जो है स्क्रैम्बल हो गया है। अब क्यूब स्क्रैम्बल होने के बाद जो है मैं आपको बता दूंगा एक बेसिक कि आपको सबसे ऊपर जो है वाइट कलर करना है, मतलब वाइट कलर का जो ब्लॉक है वो सबसे ऊपर लाना है, बिल्कुल इसके अपोजिट यानी इसके नीचे वाला एकदम येल्लो आएगा। तो येल्लो जो है आपको येल्लो पे एक ऐसा प्लस बनाना होगा वाइट का, और बीच में येल्लो ही रहने देना होगा और साइड से बनाना होगा वाइट। तो मेरे पास कुछ आसपास ही ब्लॉक थी इसके, मैं पास से वो बना सकता हूँ। और बहुत ही इजी है ये प्लस बनाना, मतलब क्रॉस होता है ये एक्चुअली, अगर हम इसे प्लस के जैसे बनाते इसलिए। तो मेरे तीन साइड बन गए, एक साइड बाकी है और थर्ड भी बन गया, तो देख सकते हो। उसके बाद जो है बाकी के ब्लॉक सेम आ गए, बीच का ब्लॉक येलो है और साइड के जो फोर ब्लॉक है तो वो वाइट आ गए। तो आपको क्या करना है, एच पीस जो है ये और मिड पीस जो है मैच होना चाहिए। मेरा मैच नहीं हो रहा है तो मैं इसे घुमा दूंगा। घुमाने के बाद ब्लू तक लाने के बाद मैं इसे दो बार नीचे घुमा दूंगा, वन और ये टू, दो बार घुमाना है आपको। तो टू टाइम्स घुमाने के बाद आपको नेक्स्ट साइड देखनी है। तो नेक्स्ट साइड देखे तो मेरे पास रेड मिल गया मेरे को। अब मैं दो बार इसे वापस नीचे घुमाऊंगा, उसके बाद ऑरेंज, तो ऑरेंज मिल गया, तो ऑरेंज को दो बार नीचे वापस घुमाऊंगा। अब बाकी है ग्रीन, तो ग्रीन को भी घुमा दिया और फाइनली वाइट का प्लस बन गया है। आपको नीचे घुमाना है, इतना ध्यान रखिएगा कि वाइट का प्लस बनने के बाद सारे साइड्स और एच पीस मिड पीस भी मैच हो गए। अब आपको ऊपर का जो वाइट है वो पूरा ब्लॉक कंप्लीट कर लेना है। तो मैं देख रहा हूँ एक बार, तो ब्लू और ऑरेंज जो हम दोनों के साथ, मतलब ये दोनों साथ है, तो उसे मैच करके ये ब्लॉक मैं ऊपर लाऊंगा और हमारा जो प्लस है वो बिगड़ गया है। तो बिगड़ने के बाद आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसे बस साइड में घुमाकर वापस नीचे लाना है जैसे मैंने किया है। अब जो है साइड इतना समझ में आ गया होगा, तो साइड का वापस से एक देखना है, जैसे कि अब मैं ढूंढूंगा। हाँ, ब्लू और रेड मेरे पास थे तो मैंने रेड और ब्लू का भी कर दिया है कॉर्नर, और वापस से वैसे स्टेप्स करके मैं घुमा के वापस उसे वहाँ पे ले लाऊंगा। आपको फर्स्ट एक ध्यान रखना होगा कि आपको फर्स्ट लेयर को भी सॉल्व करके आनी चाहिए, बहुत ही इजी मेथड होती है इसकी। उसके बाद अगली है मेरी रेड और ग्रीन, तो रेड और ग्रीन भी पास ही था तो वो भी इजी है, तो ये भी कर लिया। अब लास्ट ब्लॉक बचा है तो वो भी कॉर्नर पीस में वहाँ पे ले आऊँगा। और गाइस ये बहुत बेसिक स्टेप्स है, उसके बाद जो आगे आपको बहुत इजी जाने वाला है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कंडीशन आने के बाद जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट कीजिएगा। तो देख सकते हैं मेरा पूरे साइड पीस, मिड पीस और एच पीस जो है कॉर्नर पीस के साथ मैच हो रहे हैं। रेड का तो ज़्यादा से ज़्यादा बन भी गया, और पूरे साइड मैच होने के बाद आपका जो फर्स्ट लेयर है वो कम्प्लीट हो गया है। कम्प्लीट होने के बाद आपको सिंपल से जो एच पी सी से बाकी के वो मैच करने पड़ते हैं, तो वो आपको सेकेंड लेयर में सीखने पड़ेगी। अगर आपका क्यूब सॉल्व हो रहा है या हो क्या, तो मतलब फर्स्ट लेयर वाला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके आगे के पार्ट और स्टेप्स भी जल्दी डाल दूँगा, और अगर आपको क्यूब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा। थैंक यू।